हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कुछ है आपके हेटर्स की एनर्जीज और क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपके बारे में। सारी एनर्जीज चेक इन करेंगे हम यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से। ओके, तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं, ठीक है, उनको प्रोवोक कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपको अनंत अनंत शुक्राना मेरे जीवन में इतनी भरपूरता देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरे एक एक अंग का जो आप भरण पोषण पालन कर रहे हैं, मैं आपकी आभारी हूँ मेरे प्रभु, आपकी आभारी हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, थैंक यू। एनवी, ओके, एनवी का कार्ड आया है ईर्ष्या। तो भाई आपके जो हेटर्स हैं वो अभी एनवीशियस हैं आपसे, बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए हैं कि भाई हमने कितना खेल रचा, कितनी इसकी चीज़ों में हमने ब्लॉकेजेस पैदा किए हैं, कैसे हमने ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करके इंसान को टॉर्चर किया है, बट चीज़ें फिर भी इसके सारे फेवर में जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एनवीशियस हैं। देखिए ये खुद जो है कैसे खड़ा है, ये ब्लैकिश एनर्जीज में खड़ा है, लेकिन बाहर क्या है ये इंसान, देखे कैसे ब्लैक एनर्जीज में और ब्लैक किसी काली गंदी गुफा में, यानी ये नेगेटिविटी में घिरा हुआ और नेगेटिव रिचुअल कर रहा है। और इसको आप में क्या दिख रहा है, बाहर इसको क्या दिख रहा है, बाहर इसको दिख रहा है आपका ब्राइट फ्यूचर, और ये परेशान है। अब इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी लगी कि मैं अपने कर्मों में फंस गया। इसको कहीं ना कहीं ये भी है कि मैंने बहुत गंदे कर्म करे हैं, मैं अपने कर्मों के जाल में भी फंस गया। इनका भंडाफोड़ हो रहा है, इनके पर्देफाश हो रहे हैं कि इस इंसान के साथ इतना गलत करके हमने सही नहीं किया। कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट नंबर 9, ओके, तो कोई छोटे भी हो सकते हैं, मंगल की एनर्जीज है, मंगल माने होते हैं छोटे भाई बहन, तो हो सकते हैं कुछ लोग आपसे छोटे भी हों, ठीक है। 9 की एनर्जी है और उनका जो है, उनके बर्थ चार्ट की मैं अगर बात करूं, जिन जो भी आपसे छोटे हैं उनका राहु और उनका बुध बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। जिनका राहु और जिनका बहुत बुध स्ट्रांग होता ना, तो चीज़ें उनके फेवर में होती हैं, और वो आपसे छोटे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोग कहीं पर भी हो सकते हैं, बट आपसे उम्र में छोटे हैं, भले ही ये 2-4 साल छोटे हों। इनका राहु भी अच्छा था और इनका बुध भी अच्छा था, जिनकी वजह से राहु और बुध एक साथ थे, लेकिन इनके बर्थ चार्ट में ना कंजक्शन हो सकता है राहु का और बुध का। तो ये जो भी छोटे रहे हैं आपसे, इनका जो है राहु और बुध कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रोंग था, जिसकी वजह से इन्होंने किया, ये हार्टलेस थे। बट ये इनका हार्ट देखो इनके हाथ में है, यानी दिल विल तो इनके पास नहीं था ज़्यादा, ठीक है। उन चीज़ों का इन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया। राहु था कंजक्शन में बुध के साथ। देखिए बुध के, बुध जो प्लैनेट है ना, बुध क्या है, प्रिंस है, वो छोटा है, उसको कुछ नहीं पता। उसके ऊपर जिस भी चीज़ का प्रभाव ज़्यादा होगा ना, भले ही वो नेगेटिविटी है या वो पॉजिटिविटी है, वो उसी के फेवर में आगे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग ऐसे कुछ सिनेरियो में ग्रसित थे जहाँ पर बुध को एक नेगेटिव राहु का सपोर्ट मिल गया, ठीक है। बुध को जब राहु का सपोर्ट मिलता है ना, तो चीज़ें नेगेटिव वे में जाती हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के बुध को जो है राहु का जो है सपोर्ट मिल गया, और इन्होंने कर दिया आपके अगेंस्ट बैड कर्मा क्रिएट। अब फिर वही कर्मा का फंडा क्रिएट होता है, जैसे कर्म करें वो तो भुगत नहीं है। तो अब ये अंदर से परेशान हो रहे हैं कि हमने ये क्या कर दिया। तो भाई पहले सोचते हैं, अच्छाई बुराई तो सबको पता होती है, तो मैं क्या समझ नहीं था कुछ, इतने गंदे गंदे तुमने कांड कर दिए कि कहने में तो दूर, सोचने में भी शर्म आए। और चलो कोई बात नहीं,
ऐसी कुछ एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे लग रही हैं। किस किस के साथ है ऐसी कुछ एनर्जीज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सन की एनर्जीज में देख रहे हैं अभी आपको, अब ये देख रहे हैं कि आप तो शाइन कर रहे हैं भाई, हमने तो क्या क्या नहीं किया आपकी लाइफ को ख़राब करने में, इन्होंने आपके पार्टनर तक का कंट्रोल कर दिया, आपके पर्सन को ही आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। ये राहु इतना बुद्धू निकला है, मतलब कुछ भी करे जा रहा है भाई, कहीं तो रुक जा, तो कुछ भी करने से पहले तो कहीं तो रुक जा। ये नहीं रुका और ये अब आपको शाइन करता हुआ देख रहा है और अब सोच रहा मैं क्या करूं, अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं मैं। तो ये एनर्जीज भी हो सकती हैं। अब ये भी देख रहा है कि आपके पास तो अनेकों रास्ते हैं, धन वर्षा हो रही है आपके ऊपर। ये भी देख रहा है आपके पास तो इतने सारे रास्ते हैं, ये आपकी सक्सेस को, आपकी विक्ट्री को भी ये देख रहे हैं, आपकी जीत को देख रहे हैं, आपकी विक्ट्री को देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा और आपके शनि देव की आप पर अथाह धन। देखिए मैं आपको बताऊं, इस समय मेरा जो शनि देव है आपसे बहुत प्रसन्न है भाई। मैंने अपने 5-7 महीने पहले खूब बताया है वीडियोस में शनि और राहु केतु के बारे में। भैया शनि और राहु केतु है ना, सॉरी, जो शनि के दो एजेंट है, एक तो राहु है, एक केतु है। राहु और केतु आपके ऊपर चढ़ी थी केतु की महादशा और इन लोगों के ऊपर चल रही थी राहु की महादशा, या फिर राहु का सपोर्ट इनको मिला हुआ था जहाँ पर इनकी एक टाइम में बल्ले बल्ले हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है, शनि देव सब कुछ देख रहे थे कि एक एजेंट मेरा राहु है, एक केतु है। केतु तो लगा दिया आपके पीछे, जो हमारे पॉजिटिव व्यूअर्स हैं उनके पीछे, जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, चीटिंग हुई है, प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, आपको छला गया है, उनके साथ केतु लगा दिया गया। केतु आपको कहाँ ले गया, केतु ने आपको अकेला कर दिया, केतु ने आपको स्पिरिचुअलिटी में कर दिया, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर ले गया, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप कृष्ण भाव में है ना, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो गए, आप प्रभु के चरणों में चले गए, आप शरणागत हो गए। और ये लोग क्या, जहाँ पर राहु एजेंट था उसने क्या कराया, राहु क्या है, चालाक है, बहुत तेज दिमाग है, और राहु कहता है मैं चुटकी बजा करके सबका सत्यानाश कर दूंगा, मेरे जैसा कोई भी नहीं, राहु ये बोलता है। तो इनकी बुद्धि पे बैठ गया राहु, राहु ने इनसे ऐसे ऐसे काम करवा दिए अपने प्रभाव में लेकर के, अब ये रो रहे हैं अपने कर्मों को कि हमने ये क्या कर दिया, हमने ये क्या कर दिया। और शनि देव सब देख रहे थे। तो अब एजेंट कांड कर्म कांड पहुंच गए हैं, ये दोनों एजेंट थे ना राहु और केतु, ये शनिदेव के पास पहुंच गए। शनिदेव कह रहे हैं इनको, आ जाओ तुम दोनों, मैंने तुमसे जो कराना था करा लिया, अब आओ मेरे पास, ठीक है। अब शनिदेव ने देखे इन दोनों के कर्म, अब जिसने राहु से, राहु के प्रभाव में जो लोग थे उन पर शरीर के डंडे पड़ रहे हैं, और जो केतु के प्रभाव में लोग थे वहाँ पर शनिदेव उनके वारे न्यारे कर रहे हैं, उनको धन वर्षा योग दे रहे हैं। उनके बर्थ चार्ट में अगर मैं बात करूँ ना, तो शश नाम का एक राजयोग भी बन रहा है, शश नामक राजयोग जो स्वयं शनि देव देते हैं। शनि देव न्यायप्रिय हैं, वो कलयुग के देवता हैं, कलयुग में उनको न्यायप्रिय देव कहा गया है। तो शनि देव से कभी डरिएगा नहीं, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें। शनि देव पर तेल चढ़ाते हैं अगर आप, शनि देव पर आप डेली इन पे जाकर के आप पीपल के पेड़ के नीचे सब कुछ करते हैं, लेकिन कर्म गंदे हैं, जीवन को झंड बनाएंगे शनि देव, तुम्हारी झंड बना देंगे, तुम्हारे लाइफ को हेल करने वाले हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं अपने कर्म सुधारो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर तुम्हारे कर्मों से किसी को पीड़ा पहुंच रही है, किसी को तुमने अकेला कर दिया, किसी को तुमने दर्द में पहुंचा दिया, कोई तुम्हारी वजह से मरने की कगार पे चला गया, जो तुम्हारी वजह से किसी ने फांसी खा ली, तुम्हारी वजह से कोई लटक के मर गया या मर गई, ऐसे लोगों को परमात्मा कभी, ये शनिदेव तो कभी छोड़ने वाले नहीं है। तो अपने कर्मों को पवित्र रखो, किसी से जलो मत। बहुत सारी सासुएं भी ऐसी होती हैं, सास होती हैं कि अपने बेटे बहू को वो कभी एक नहीं होने देती, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, अभी बहुत रिसेंट में मेरे साथ एक केस हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी भांजी थी, उनकी दिल्ली में शादी हुई थी, और उनकी जो ससुराल पक्ष के लोग थे, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत एजुकेटेड फैमिली, पढ़ी लिखी, बहुत वीआईपी फैमिली। और वहाँ पर क्या था, सास के जेलसी फैक्टर ने, सास और नंद के जेलसी फैक्टर ने उस बच्ची की जान को वो ले गए,
वो हस्बैंड वाइफ जब भी इकट्ठा बैठते, माँ को और बहन को चिढ़ होने लगती, इतनी गंदगी समाज में लोगों के प्रति। तुम अपने बच्चों की शादी किस लिए करती हो फिर, जब तुम बेटे बहू को एक साथ देख ही नहीं सकती, तो तुम किस लिए शादी करती हो अपने बच्चों की? अपने बच्चों को तुम्हें कवारा रखना चाहिए। बेशरम औरतें होती हैं ऐसी ऐसी, और ऐसी ऐसी औरतों को ना कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मैं सच बताऊं। और उस बच्ची की शादी को सिर्फ और सिर्फ 4 ही साल हुए थे, और नहीं सहन कर पाई बच्चा इतना, क्योंकि इतना पेशेंस, इतनी शक्ति नहीं होती सब में, तो उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो बहुत नीच किस्म के ऐसे लोग होते हैं जो इस कगार पर किसी को ला करके खड़ा करते, और ऐसे लोगों को परमात्मा कुत्तों की मौत मारता है। वो लोग सड़ सड़ के मरते हैं, कीड़े चलते हैं उनके शरीर में जब वो मरते हैं। बहुत कष्टदायक उनकी मौत होती है जो लोग इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ करते हैं। हीलर ऑफ द एजिस की एनर्जी आई है नंबर 6 की। तो भैया आप जो हैं, सूर्य आपके बहुत स्ट्रांग है, आपके बुध बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तो यहाँ पे सूर्य आदित्य आए, एक योग भी बन रहा है आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है। सूर्य आदित्य आए योग बन रहा है, जो एक बहुत बड़ा राजयोग है अपने आप में। और यहाँ पर बेटा और पुत्र इकट्ठे हो गए हैं, कुछ किसी केस में लग रहा है मुझे। आपके बच्चे आपसे नाराज़ थे, तो यहाँ पे बाप बेटा एक हो गए हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया है, बट कुछ लोगों के बच्चों में माता पिता के साथ सही संबंध नहीं थे, तो बेटे के साथ किसी के सही संबंध नहीं थे, तो कोई बेटा और बाप एक हो रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं किसी के लिए। जर्नी का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे आपके हेटर से हटके बहुत कुछ मैसेजेस आपको मिल गए। हेटर्स का भी बुरा हाल है ये देख करके कि आप तो भैया वाकई में आप एक, आपको देख करके वो सोचने लग गए हैं कि वाकई में आप कोई हस्ती हैं, आप कोई छोटी मोटी माया नहीं है, आप परमात्मा का अंश है। आपको तोड़ना नामुमकिन, कईयों जन्म लेने पड़ेंगे उनको, कईयों जन्म। डोर टू स्पिरिट, आपके एंजल, आपके एंसेस्टर हर समय आपको सपोर्ट कर रहे हैं भाई। गुरुदेव बृहस्पति की और मून की आप पर बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हैं। वो आपके जीवन में स्टॉर्म वार्मिंग जो भी लाना चाहते थे, अब उनके जीवन में स्टॉर्म वार्मिंग ईश्वर ला रहे हैं। उनके सारे मोहरे फैल हो गए, ये देखें जिन्होंने उन्हें चाले चली थी, ये घोड़ा कैसे लिट गया। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आपके मंगलदेव और आपके गुरुदेव बृहस्पति इतने स्ट्रांग है कि आपका विशुद्धि चक्रा, आपका ये जो होता है थ्रॉट चक्रा एक्टिव हो रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बेटर हैं, आप बहुत अच्छे से बातों को अपनी कन्वे कर लेते हैं, है ना, लोगों को कन्वेंस करने की कला आपके भीतर आ गई है, ऐसी भी एनर्जीज हैं मुझे यहाँ पे। नंबर 3 और नंबर 4 फिर से गुरुदेव बृहस्पति और राहु, तो भैया राहु पे डंडे पड़ने लगे हैं गुरुदेव बृहस्पति के। डोर टू स्पिरिट, सॉरी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, हैप्पीनेस आ रही है, और परमात्मा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। अगर आपके सर पे छत है, आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, तो शुक्राना आपका बनता है, क्योंकि किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास समय पर खाना नहीं है, भोजन नहीं है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तब भी आप रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तो परमात्मा की नज़रों में आप बहुत बड़े पापी व्यक्ति हैं। आपको बहुत बड़ा ऐसा कर्ज चढ़ेगा, ईश्वर के डंडे पड़ेंगे आपको, कि बस भगवान कहते हैं अगर सर पे छत है, कपड़े हैं, खाना है, शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। और जो लोग ये सब पाकर भी लोगों के जीवन को हेल बनाने में लगे हुए हैं, लोगों की मौत को, लोगों को मौत की कगार पर पहुंचाने में लगे हुए हैं, उनकी जिंदगियां तो झंड होने वाली है, सीरियसली मैं कह रही हूँ। देखना आप परमात्मा के डंडे कैसे पड़ेंगे उनको, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ होती है, आवाज़ नहीं होती, सॉरी, पड़ती बहुत खतरनाक है। कई बार मैं आइटम्स का गलत शब्द मुँह से निकल जाते हैं, तो वही, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ अभी कि भाई मैं बहुत बड़ी एक्सपीरियंस हूँ, ऐसा मेरी छोटी मोटी गलतियों को क्षमा कर दिया कीजिए। बहुत सारे लोग कुछ भी कमेंट में लिख के भाग जाते हैं कि मैम आपने तो ये गलत बोल दिया। ठीक है भाई, गलत बोला गया, मैं भी तो इंसान हूँ। कई बार तो पता है, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, मैंने अपना कैमरा ऑन किया शूट के लिए, और जब बोलती हूँ हेलो फ्रेंड्स नमस्कार सभी को, राधे राधे, नमस्कार की जगह नमस्कार निकल गया मुझे, राधे की जगह आधे निकल गया मुझसे, और वो वीडियो मुझे बीच में ही पॉज करके कट करने पड़ जाते हैं। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, किसी को इतना बड़ा इशू मत बनाओ कि किसी से गलतियाँ नहीं होती, सबसे गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं तो तुम उस पर ऐसा थप्पा लगा दो कि ये मिस्टेक नहीं कर सकता, इस पर कोई गलत शब्द नहीं मुँह से निकल सकता, वो भी तो इंसान है, कोई वो है तो है नहीं भगवान, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान ही धरती पर उतर के आ गए।
अगर आपको वो अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है, परमात्मा के रास्ते पर आपको चला रहा है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, ये कलयुग चल रहा है यहाँ पे, कोई ये सतयुग नहीं है। ये सारे ही शब्द अच्छे निकले, आप कलयुग के प्रभाव में रहते हुए एक सतयुगी आत्मा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई प्लीज़ हाथ जोगड़, देखिए अभी फिर निकल गया जोगड़ कर, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा आप लोगों से कि भाई ऐसी छोटी छोटी बात तो कोई इशू ना बनाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है फिर। ठीक है, बर्डन में है कोई, आपको देखकर कोई बर्डन में है, आपकी क्रिएटिविटी को देखकर इन्होंने आपके जीवन में सप्रेशन लाया, बट आया नहीं, बर्डन में है। बहुत भूत प्रेत छोड़े हैं आपके ऊपर, स्पेल छोड़े हैं, वह आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप तो बैठ गए हाथ जोड़कर प्रहलाद की तरह अपने भगवान को याद करने। ये देखे ऐसे आप बैठे हैं, कई बारी आपके जीवन में बहुत ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि आपने महसूस किया है अपने इर्द गिर्द इस तरीके से नेगेटिविटी को, एक धुआं है, धुएं में आंख नाक बने हुए हैं, आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप ऐसे बैठे थे, आप ऐसे बैठे थे, आप ऐसे पंचमुद्रा लगाए बैठे थे। आपको मैं बताती हूँ ये पंचमुद्रा होती है, ये जब आपका मन अशांत हो ना, ऐसे करके यहाँ पे कर लो या फिर अपने नेवल के आसपास कर लो और बैठ जाओ, 5 मिनट ध्यान लगाओ, आप देखना कितना अच्छा महसूस करोगे। तो आप बैठ गए ऐसे अपने परमात्मा को याद करने, फूल, लोगों ने आपको पागल समझा, लेकिन आप तो हीरो निकले, वो कुछ सजी पूर्णिया में चले गए हैं। और मैं बता दूँ, ये आपके पास्ट के कार्मिक्स थे भाई, जिन्होंने आपको इस तरीके से तंग किया है, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक थे, ये कर्मा क्लियर करना आपको ज़रूरी था, तभी ये लोग आपके जीवन में आए हैं, अदरवाइज आने का और कोई कारण नहीं बनता इनका। ठीक है, और माफ़ कर दो, बेचारे हैं बेचारे, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, बट यहाँ हमेशा अलर्ट रहना कि आपके साथ ये कभी कुछ गलत ना कर सके। वैसे माफ़ कर दो, ठीक है, इंसान है ये भी, कोई बात नहीं, अनजाने में लोगों से गलतियाँ होती हैं, माफ़ करना आपका बनता है। बारिश आ गई है इधर, कुछ मैं शिवा और एक्कल से भी काट लूंगी, मेरे भोले बाबा क्या कहना चाहते हैं। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। देखिए यहाँ पर इस समय बहुत सारे लोगों के जीवन में क्रॉस रोड वाली सिचुएशन आ रही होगी, तो होता है ना क्रॉस रोड वाली सिचुएशन के मैं इधर जाऊँ के इधर जाऊँ और सामने ईश्वर है, तो आपको किधर भी नहीं जाना, आप तो सिर्फ अपने परमात्मा के शरणागत होकर बैठ जाओ, फिर वो जो लेकर के जाएंगे, वो जहाँ लेकर के जाएंगे आपको, वो आपके लिए सही है। और अब आपको कैसे पता चले कि मैं परमात्मा के चरणों में हूँ, मैं उनका हूँ, डेली आप आधा घंटा भगवान का जाप करना शुरू कर दो और फिर वो जहाँ लेकर के जाएंगे वो उनकी मर्जी है। अगर तो आपके लिए सही रास्ता होगा तो आप शांत होते हो चले जाओगे, और अगर आपके लिए रास्ता वो गलत होगा तो आप देखेंगे आप पूजा पाठ करते हुए भी आपके भीतर एग्रेशन आएगा, गलत चीज़ों के आप विरोध में खड़े हो जाओगे। ये चीज़ें स्वयं परमात्मा करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ किसी के लिए कोई गाइडेंस आई है, सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक एंड रिज्यूविनेट। तो यहाँ पे मेरे भोले बाबा कह रहे हैं भाई थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, अपने खाने पीने का, अपने खान पान का, थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं खाया करो, थोड़ा थोड़ा भोजन खाओ, ठीक है, एक परोठा सुबह खाओ, दो रोटी शाम को दोपहर को खाओ, एक या डेढ़ रोटी या फिर दो रोटी अगर ज़्यादा खाने वाले हो तो 6 बजे से पहले पहले खा लो। वैसे मैं सोचती हूँ, मैं भी नहीं खाती, खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए, मेरा कोशिश पूरा होता है मैं 6 बजे से पहले पहले तक खाना खा लूँ, एक आधी बारी लेट हो जाता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है इससे, ठीक है। खा के अगर आप बिस्तर पर पड़ जाते हैं तो उससे आपकी हेल्थ बिगड़ती है। ओम द यूनिवर्सल साउंड, द यूनिवर्सल साउंड ओम, चैंट इट इनटू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पेसिफिकली फोकस ऑन नर्चरिंग योर क्राउन चक्रा एंड अटेन ए सेंस ऑफ एटर्निटी इन योर लाइफ। तो अपने आपके क्राउन चक्रा पर कुछ सेंसेशन हो रहे हैं, आपके सातों चक्र एक्टिव हैं, ओम की चैंटिंग करा करो जिनके एक्टिव नहीं है, डेली आप ओम की चैंटिंग करो। और जिनके जीवन में शत्रु आपके बहुत परेशान कर रहे हैं, एक मंत्र मैं आपको फिर से बताती हूँ, ओम पूर्वः कपिमुखाय पंचमुखे हनुमते ठंग 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 सर्व शत्रु संघारणाय स्वाहा। ओम पूर्वः
कपि मुखाए पंच मुखे हनुमते ठंग 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 सर्व शत्रु संघारणाय स्वाहा। ज्यादा नहीं कर सकते, 21 बार इसका डेली चैंट करो। शत्रुओं का नाश मेरे महाबली करेंगे। आदि शक्ति, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं भाई, आप और आपके जो पति देव हैं, आप और आपकी जो पत्नी जी हैं, वो आदि शक्ति और भगवान शिव का आप अंश हैं, ठीक है। तो भगवान शिव ने आदि शक्ति को लाभ पाने के लिए ना प्रलय ला दी थी सृष्टि में, वो चीजें हैं यहाँ पे। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। देखिए भस्मासुर यहाँ पे भस्म हो चुका है, जिसने भी अपनी पावर का मिसयूज किया है वो लोग भस्म हो चुके हैं। आदि योगी, तो यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं आप एक बहुत प्यारे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं बेटा, पूजा पाठ करो, लोगों की हेल्प करो, लोगों का भला करो, सेल्फिश मत बनो, ग्रीडी मत बनो, लालची मत बनो, किसी का हक मत मारो, लोगों को तंग मत करो, किसी के मान को हानि मत पहुंचाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो परमात्मा स्वयं आपका साथ देंगे और आपके बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग हमेशा दूसरों को तंग करते ना, ऐसे लोगों के बच्चों को ना हेल जैसी लाइफ मिलती है, हेल जैसी, है ना, नर्क देखते हैं वो, और उस नर्क में से निकलने का रास्ता उनको नहीं पाता। अपने माता पिता को जीते जी वो नर्क का रास्ता दिखा देते हैं, उनके बच्चे ऐसे गंदे गंदे काम करने लगते हैं और वो माता पिता ऐसे फंस जाते हैं, उनको वो ये सोचने लग जाते हैं अब हम इसमें से कैसे बाहर निकले। अरे जब तुम नेगेटिव कर्मा, गंदे कर्म क्रिएट करते हो, तुम्हें जब नहीं शर्म आती, तुम लोगों की बद्दुआएं खाते हो, तुम लोगों की हाय खाते हो, तुम्हें जब नहीं शर्म आती, तो अपने कर्मों को ध्यान रखे, तुम्हारे नीच कर्मों की सजा तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे, बच्चे भुगतेंगे तुम्हारे। और अभी तो तुमने सिर्फ परमात्मा का इतना सा ट्रायल देखा है, फिल्म तो अभी पिक्चर बाकी है, तो अभी भी सुधर जाओ अगर तुम्हें शर्म हो तो। गंदे, मेरे पास कल भी पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत सारे थे लोग आए हुए थे, उन्होंने बताया कि उनकी जेठानी की 15 साल की बेटी को हार्ट अटैक आ गया और उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है 15 साल के बच्चे की, और उसकी जो जेठानी थी और उसका जेठ था उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, गंदगी अपने छोटे भाई की और उसकी वाइफ की, वाइफ को देखकर वो इकट्ठे खुश नहीं होते थे और गंदे 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 ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करवा के उनका रिश्ता तोड़वा दिया। और कहती है अब हम हस्बैंड वाइफ में आपस में बातचीत तक भी नहीं होती, हम एक ही रूम में रहते हैं अनजानों की तरह। कितनी गंदी बात है, मतलब तुम किसी को देखकर, और पर आप तुम सोचते हो कि भगवान नहीं देख रहे, तुम्हारी जिंदगी जहाँ जहाँ झंड होने वाली है, जो गंदे इस किस्म के गंदे लोग होते हैं। अभी भी सुधर जाओ, बचा लो अपने बच्चों की जिंदगी, वरना तुम्हारे नीच कर्मों की सजा तुम्हारे बच्चे भुगतने वाले हैं, बेशर्म। चलो पता नहीं किस किस के लिए मैसेज निकले हैं। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस, कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में जादू 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 भी करना चाहते हैं, तो नेम करेक्शन ज़रूर करवाएं, बहुत पावरफुल है। मेरा लकी नंबर 4 है, ऐसा ही आपका भी कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर 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 कराएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। मेरा गला थक जाता है बोल बोल के, पिछले वीडियोज़ के एंड में नेम करेक्शन के बारे में बहुत कुछ डिटेलिंग मैंने दी हुई है, जाकर के वहाँ देख लेना। बाकी नेम करेक्शन से अगले 1.25 साल बाद आपके बल्ले बल्ले होने वाली है, है ना, फटे चक दोगे आप बिल्कुल, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। सारे कृष्णा हरि बोल, राधे राधे।